नमस्कार, मैं रिया राजपूत KDTR पब्लिक स्कूल ललूपुर मैनपुरी कक्षा 9 की छात्रा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल KDTR पब्लिक स्कूल ललूपुर मैनपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जग जाहिर है, कोरोना विषाणु के कारण संपूर्ण संसार के क्रियाकलाप तहस नहस हो गए हैं। सभी तंत्रों के साथ शिक्षा तंत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से गणित, विज्ञान, ग्रामर तथा व्याकरण जैसे सदाबहार विषयों पर वीडियो के माध्यम से शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके द्वारा प्ले ग्रुप से लेकर इंटरमीडिएट तक के छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सकते हैं। बस आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रतिदिन नए वीडियो प्राप्त होते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक व शेयर कर लें। तो बिना समय गवाए हम अपने विषय पर आते हैं। आज हम आपको गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं, जिनकी आवश्यकता जीवन पर्यंत रहती है तथा सभी को हर वक्त याद रखनी चाहिए। अगर हम इन्हें लिखकर दिखाते तो बहुत समय लग जाता, इसीलिए हमने इन्हें पहले ही लिख लिया। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। पूर्ण संख्याएं, शून्य से लेकर सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। प्राकृत संख्याएं, शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं अर्थात शून्य और प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3। सम संख्याएं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, 2, 4, 6, 8। विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 3, 7, 5, 11, 13। शांत संख्याएं, जो संख्याएं दशमलव लगाने के पश्चात पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, शांत संख्याएं कहलाती हैं। अशांत संख्याएं, जो संख्याएं दशमलव लगाने के पश्चात पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अशांत संख्याएं कहलाती हैं। चर राशियां, वे राशियां जिनका संख्यात्मक मान निश्चित रहता है, चर राशियां कहलाती हैं, जैसे ABC, XYZ, TU आदि। अचर राशियां, वे राशियां जिनका संख्यात्मक मान बदलता रहता है, अचर राशियां कहलाती हैं, जैसे 4, 10, 105, 1000 आदि। बिंदु, लंबाई, चौड़ाई व मोटाई रहित एक निश्चित स्थान, एक निश्चित तथा सबसे छोटे स्थान को बिंदु कहते हैं। रेखा, दो विपरीत दिशाओं में अनंत दूरी तक बढ़ाई जाने वाली वह रचना जो मोटाई व चौड़ाई रहित होती है, रेखा कहलाती है। जैसा कि उदाहरण में आप देख रहे हैं, ये एक रेखा है। रेखाखंड, किसी रेखा से लिए गए निश्चित लंबाई के खंड को रेखाखंड कहते हैं, जैसे ए और बी बिंदु के बीच मध्य में 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। रेखा के प्रकार, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तिर्यक रेखाएं। समांतर रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं जिन्हें दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें तथा उनके बीच की दूरी समान रहे, समांतर रेखाएँ कहलाती हैं। जैसे ये दो रेखाएँ समान दूरी पर हैं। तिर्यक रेखा, किसी तल पर एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे ये दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएँ कहलाती हैं। जैसे ये दो रेखाएँ काट रही हैं। आज का वीडियो इतना ही। बहुत अब हम आपको अगले वीडियो में आपके पास पहुँचाएँगे। धन्यवाद। नमस्कार, आपने देखा एक छोटी सी बालिका गणित विषय की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझा रही है। इसने किसी पुस्तक या कॉपी का सहारा नहीं लिया है। इसके सामने इसके माता पिता, भाई बहन बैठे हुए हैं, जो पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ध्यान से पढ़ाए जाने वाले पाठ को पढ़ रहे हैं। समस्त अभिभावक बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी तालाबंदी तथा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाने के लिए प्रेरित करें तथा आप स्वयं छात्र बनकर उनके सामने बैठें। अपने घर में ही ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का इंतजाम करें तथा बच्चों को जो भी ज्ञान हो उसे पढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। इससे बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा तथा उनका ध्यान भी आकर्षित होगा।
आप प्रतिदिन 1 घंटा बच्चों के साथ बिताएं। निश्चित मानिए यदि आपने 1 सप्ताह तक ये कार्य कर लिया तो आपकी ये शिकायत स्वतः दूर हो जाएगी कि बच्चे घर पर पढ़ते नहीं हैं। इस कार्य में हमारे वीडियो आपकी सहायता करेंगे जो प्रतिदिन आपको प्राप्त होंगे। हमने जो विषय चयनित किए हैं वे हैं गणित, विज्ञान, ग्रामर तथा हिंदी व्याकरण। छोटे छोटे बच्चों द्वारा इन विषयों का संपूर्ण ज्ञान कराया जाएगा। जिस तरह हम अपने बच्चों के साथ रात दिन मेहनत करके उन्हें योग्य बना रहे हैं और उनकी योग्यता को आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने बच्चों का साथ देकर उन्हें बहुत होशियार तथा योग्य बना सकते हैं तथा उनके अन्य शौक जैसे क्रिकेट, मोबाइल, टीवी आदि पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। KDTR परिवार आपके साथ है। बस आप देखते रहें हमारे बच्चों द्वारा बनाए गए शैक्षिक वीडियो और बढ़ाते रहें अपने बच्चों का ज्ञान। हमसे सीधे वार्तालाप करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9837231510। अब कोरोना और KDTR के लिए 4 पंक्तियां आप सुनें कि संकट की इस घड़ी से कर लें दो दो हाथ और कोरोना रोता फिरे पूरा देश है साथ। पूरा देश है साथ, मिटेगा जल्द कोरोना, फिर से मिलेगा चैन, धैर्य को नहीं है खोना। और कहें देव कविराय सुने सब भारतवासी, ललूपुरा KDTR ही है शिक्षा का काशी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय KDTR।